गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस आज एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ, देखिए, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ओय होय 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 होय। एंड आई एम हैप्पी डेट, मेरे घर के अंदर भी एक घर बना, वो भी तो चलिए आज गाइस लेट हो चुके, लेट तो क्या रोज ही होते यार, लेकिन क्या कितना भी मैनेज कर लो, हम भले 5:30 बजे उठ जाए लेकिन 8 बजे आते हैं वहाँ, जाते आते और 15 मिनट उनको लगाने में लग जाता है, मतलब लेट तो रोज होना ही है। चलिए, और कल व्लॉग नहीं किया, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा फोन थोड़ा सा लो बैटरी पे था, इसलिए व्लॉग भी नहीं कर पाया कल। आज तो खैर मैंने ऐसे तैसे मैनेज किया है, चलिए देखते हैं आज कब तक टिकता है। मेरे पास पावर बैंक नहीं है, पावर बैंक लेगा भैया तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। वहीं भट्टे पे अगर किसी का सी टाइप मिल गया तो कर लेंगे, कल जिस भट्टे पे था वहाँ पर सी टाइप नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो चलिए चलते हैं और इधर देख लीजिए अंदर कौन है। ओ यहाँ है, मैं वहां देख। चलिए बाय मम्मी। क्या कर रहा हो? काय का सुबह सुबह भाई जूस पी रहे तो आम का, मेरा तो गला खराब हो जाएगा यार, मैं तो नहीं पीता। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। आई आई गाइस अपनी मेटियोर खड़ी 3 दिन से घर पे। एंड यार हम जब भट्टे में जाते तो प्रीफर करते कि या तो पल्सर या फिर डिस्कवर ले जाए, क्योंकि वहाँ पर धूल और धूप तो चलो ठीक है, वो तो कलर तो खराब होना ही है कभी ना कभी, बट धूल में इतनी हालत खराब हो जाती है, अगर हर वीक धो ले, वीक में अगर 2 बार भी धो ले तो ज़्यादा टिकती नहीं है, तो इसलिए प्रीफर करते हैं कि। एंड कार कहाँ है यार? कि मम्मी कार कहाँ है? कार कहाँ है? कार सब टेंशन ले रहे। अरे वो पड़ी भाई, पापा एक्चुअली रात में 3 बजे जाते सब वर्कर्स को काम पे लगाने, तो वो कार से चले आते तो वहीं लगा दिया आज उन्होंने। ये गाइस इनको कितना भी धो लो ये 1-2 दिन में ऐसी हो जाती है, भट्टे पे बहुत धूल उड़ती है यार। इसमें फ्यूल भी हो चुका है लो, एंड देखिए गाड़ी कितनी चल चुकी है, 148.93 किलोमीटर। एंड वी आर इन टू रस गाइस, इतनी जल्दी है कि दूसरी गाड़ी भी हमको चलानी पड़ रही है, पता नहीं कहाँ है ड्राइवर। चलिए बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला आज का, चलिए चलते हैं। आज तो चल रहा गाइस काम फुल पावर में, एक के इधर ठंडा ठंडा कुल कुल, एक ये रही, एक यहाँ है और एक उधर आगे जो भी लोड हो रही है, तो आज फुल पावर में काम चल रहा है और ये ठंडा ठंडा पानी पी रहा भाई। आज तो हो गई गाइस हालत टाइट, क्योंकि ना तो केप है, धूप भी है, धूप अभी तो कम हो गई, अभी आपको नहीं दिखेगी इसलिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, अदरवाइज ब्लॉक नहीं कर पाता। धूप भी है, केप भी नहीं लाए, ना रुमाल लाए, और ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा, तो समझ जाइए आप। हो गया गाइस हमारी धूप का जुगाड़ भी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो हमारे पास आज 2 रुमाल थे, किस्मत अच्छे, चलिए कुछ तो हुआ, अदरवाइज आज ट्रेनिंग बहुत खतरनाक वाली होती है हमारी। लंच टाइम हो चुका गाइस, यार आज का शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए लेट भी हो गया, आज तो 2 बज चुके लंच करने में। आज किसी को हमने पर डे बेसिस पे नहीं लगाया, हमने वर्क के बेसिस पे लगाया, जो जितना काम करेगा उसको इतना मिलेगा, तो आज टाइम का कोई इशू नहीं है। चलिए करते लंच, और लंच में है सुलझना की फली। एंड गाइस कभी सभी तो इतना थक जाते हैं यार, सच में बैठे बैठे सो जाते, बैठे बैठे जैसे उंगली नहीं लग जाते, ऐसे ऐसे गर्दन गिरती रहती है, क्योंकि रात में भी आजकल थोड़ा सा लेट हो चुका है, 11:30 एडिटिंग करते हैं तो, और सुबह उठ जाते 5:30-6:30 बजे तो नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो जाती, और ऊपर से इतनी थकान, थकान के लिए भी रेस्ट ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती, पर वो भी नहीं हो पाता पूरा। हो चुका गाइस लंच तो, लेकिन आज रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रैक्टर फंसा हुआ पड़ा यहाँ पर,
उसको निकालना है। एंड सोचा था कि थोड़ी देर आधा घंटा स्कूलेंगे आज, क्योंकि नींद तो इतनी भयंकर तरीके से आ रही थी 1 घंटे पहले। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो सोएंगे। गाइस निकल चुका गाइस ट्रैक्टर, यहाँ देखिए बच्चे कितने मस्ती कर रहे यार। एक तो जूम भी नहीं कर सकते ज़्यादा, अदरवाइज दूर से दिखा देते ज़्यादा मजा आता। मैं जाऊँगा तो भाग जाएंगे यहाँ से, और नंगे घूम रहे इधर। देखिए गाइस खेत में हो रहा है हमारा रेस्ट, अब ज़्यादा थक चुके तो यहीं रेस्ट कर लेते, थोड़ी देर काम हो रहा है तब तक रेस्ट भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। चलिए दिक्कत आ रही गाइस, एक तकिए की जरूरत है। अब ये मिल गया हमारा तकिया भी। बढ़िया गाइस, ये चेक करिए, किसी का घर है, कांटे चिपका चिपका के बनाया है घर। एंड इसका शेप पीछे से जो हेमिस्फेरिकल पूरा बनाया है यार, वो गजब है। चेक दिस आउट गाइस, हो गया गाइस आज का काम कंप्लीट। एंड हम आए अभी दूसरे वाले भट्टे पे, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे सनसेट अच्छा दिखता है। तो बहुत दिनों बाद आज वापस से सनसेट देखने निकले। देखिए अब चलते हैं गाइस वापस घर पे। आज एक्चुअली थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था, उससे थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो लोग एडिट कर पाएंगे या नहीं, करेंगे तो सही। वैसे चाहे कॉफ़ी 2 बार क्यों ना पीनी पड़े, बट कर लेंगे। एंड यार सच में कॉफ़ी, मुझे इतना पता नहीं था कि कॉफ़ी इतनी हेल्प कर देती नींद आने के टाइम पे, जगाए रखती है। वो नेस्कैफे का एक एड आता है ना, पता नहीं कुछ आता था, पता नहीं मैं भूल गया, अगर वो मिलेगा तो मैं ज़रूर बोल के बताऊँगा। तो कॉफ़ी पी लेते हैं तो 2-3 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं। बट हाँ ये भी है कि पूरा फिर अगला दिन थोड़ा सा रेस्टलेस फील होता है कि भाई सो जाओ, बैठे बैठे नींद आती है, इधर उधर टपकते फिर तो बस इसी कारण से थोड़ा सा। चलिए अब चलते हैं घर, हो चुका घर का टाइम। बट हमारी गाड़ी हमारे वर्कर्स लेके गए हैं अभी, उनको कहीं हॉस्पिटल जाना था तो हॉस्पिटल लेके गए किसी को, वो आ जाते फिर चलते घर। आ चुकी गाइस फाइनली बाइक 1 घंटे बाद। एंड अभी दूसरे भट्टे से भी फ़ोन आया कि एक और बीमार है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाना है, तो अभी 1 घंटा वहाँ पे लगेगा। बहुत हालत ख़राब है। पहुँच चुके गाइस दूसरे भट्टे पे, और बाइक जाएगी वापस हॉस्पिटल। ये गुड़िया हो रही है बीमार, क्या हो गया बेटा? चलो रहने दो, ये तो बीमार है तो क्या बताइए, इलाज करवाने जा रहे हैं, इसको दे दी बाइक। एंड यार टाइम हो चुका है 7:15, और देखिए अभी तक काम चल रहा है हमारा। गाइस क्वालिटी आए या ना आए, लेकिन रात में सारे बच्चे यहाँ खेल रहे, बस ये तो कैप्चर करना बनता है। ओ मेरे को देख के भाग गया भाग गया भाग गया। कौन सा गेम चल रहा है? कबड्डी? कौन खेल रहा है कबड्डी? ये गाइस ये मोगली मोगली भाग गई मोगली। क्या हो गया? मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो देख रही गाइस, देखना मैं ट्राई करता हूँ अगर पीछे से दिखे। सो गाइस लेट्स से बाय बाय फ्रॉम हियर, एंड चलते अब घर पे। सब लाइन से खड़े हो गए, कैसे देख रहे देखो। सब बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। आगे गाइस बाइक तो अभी जस्ट आई है, 8 बजने वाले। ऑल ऑफ दिस आर प्लेइंग। पहुंच गए गेट को, पहुंच चुके गाइस घर। एंड एक ग्रेट अपडेट है, और अभी तो फिलहाल हमको अभी डीजल लेने जाना है, पहले तो डीजल लेके आएंगे। यार चेक दिस आउट, कौन आ गया आज बहुत दिनों बाद। न्यू
आजा मेरा बच्चा, आजा आजा। पहुंच चुके गाइस डीजल लेके घर पे एंड साथ में आइसक्रीम भी मस्त। फाइनली गाइस हो चुका आज का व्लॉग एडिट एंड यार टाइम हो रहा है 12:30 बजने वाले ऑलमोस्ट। एंड आज एक अच्छी अपडेट को देता हूँ, आज हमने वाईफाई लगवा लिया क्योंकि व्लॉग अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी यार। कुछ रात लगा करते थे, रात में 12 बजे तक लगा करते थे, सुबह 6 बजे तक अपलोड हो पाता था, उसके बाद फिर उसको पब्लिक करते थे। एंड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 15 मिनट में व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो चले करते इस व्लॉग में। एंड टाइम यार सब तो सो चुके हैं लोग, बट न्यू थोड़ा सा रो रहा था, आज आया है, उसके पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं, पापा गए मैं और मम्मी के पास, तो सब सोए भी लेके आज। तो चले करते इस व्लॉग को यहीं एंड। होप ऑल यू लाइक दिस, अगर यहाँ तक पहुँच चुके तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।